हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पादपों में जल अवशोषण की बात कर रहे थे, जिसमें नंबर एक सक्रिय जल अवशोषण की बात कर चुके थे। सक्रिय जल अवशोषण तो नंबर दो अध्ययन करेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण के बारे में आपको बताया गया था कि जब जल अवशोषण करने वाले कारक किस में होते हैं, जड़ों में, अर्थात जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। निष्क्रिय जल अवशोषण की बात यहां पे अब आज करेंगे कि जब जल अवशोषण करने वाले कारक पत्तियों में स्थित होते हैं, ध्यान रहे कि जब जल अवशोषण करने वाले कारक पत्तियों में स्थित होते हैं अर्थात जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती हैं, जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती हैं तो उसे कहा जाता है निष्क्रिय जल अवशोषण। अर्थात इस प्रकार का जल अवशोषण होता है जो दिन या दोपहर में होता है और यह अवशोषण वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है। वाष्पोत्सर्जन भी आपको ध्यान रखना है, यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है। ध्यान रखेंगे कि निष्क्रिय अवशोषण है यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है। इसके अंदर पैरों में बल उत्पन्न होता है, यह भी ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो बल उत्पन्न होगा वो किस में उत्पन्न होता है, पैरों में, यह आपको ध्यान रखना है। और जब किस में हम बात किया था तो सक्रिय जल अवशोषण में जो बल उत्पन्न होता है जो किस में उत्पन्न होता है, जड़ों में, आप ध्यान रखना है। यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है अर्थात इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, यह आप ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से होगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से होगा, जैसे इसमें जल अवशोषण करने वाले कारक पत्तियों में स्थित होते हैं अर्थात जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पत्तियों में जल की कमी होती है, पत्तियों में जल की क्या होगी, कमी होगी, तो आसपास की सिराओं के अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जल की कमी के कारण एक तनाव उत्पन्न हो जाता है अर्थात यह ऋणात्मक तनाव होता है जो पत्ती से होता हुआ तने के जैलम स्तंभ से होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, जड़ों तक पहुंच जाता है, जड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे जल होता है जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ऊपर की ओर क्या आता है, खींचा चला आता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन क्रिया बढ़ेगी तो जल अवशोषण क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पौधों में जल अवशोषण की मुख्य विधि है, ध्यान रखें मुख्य विधि है, पौधों में जल अवशोषण की मुख्य विधि कौन सी होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण, याद रखें, क्योंकि नाम निष्क्रिय और काम सक्रिय, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाता है कि पौधों के अंदर जल अवशोषण की मुख्य विधि कौन सी है, तो आप निष्क्रिय जल अवशोषण आपको ध्यान रखना है। अर्थात यह कब होता है, दिन या दोपहर में होगा और यह किस पर आधारित है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर आधारित है, कि जब पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल की क्या होती है, कमी होती है, तो ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है और ऋणात्मक तनाव होता है जो एक प्रकार से पत्तियों से होता हुआ तने के जालम से होता हुआ जड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे उस तनाव के कारण जल होता है जो मृदा से क्या होता है, खींचा चला आता है, अर्थात जल का क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। तो ध्यान रखें, आप अंतर भी कर सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर भी कर सकते हैं कि सक्रिय अवशोषण में जल अवशोषण करने वाले कारक किस में होते हैं, जड़ों में, जबकि आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें जल अवशोषण करने वाले कारक किस में होते हैं, पत्तियों में। उसके बाद में आप दूसरा अंतर यह बता सकते हैं कि इसके अंदर जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं
जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती हैं, अर्थात ये प्रातःकाल व रात्रि के समय होता है तो ये कब होता है, दिन या दोपहर में होता है, अर्थात इसमें कम वाष्पोत्सर्जन होने पर, अर्थात इसमें मृदा में पर्याप्त जल होने पर, अर्थात ये अधिक वाष्पोत्सर्जन होने पर होता है। और आपको ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर जड़ों के अंदर बल उत्पन्न होता है, तो इसके अंदर किसमें बल उत्पन्न होगा, प्रेरोनिक बल उत्पन्न होगा। तो ये आपको बताना है, अर्थात जल अवशोषण की पौधों के अंदर मुख्य विधि कौन सी है, निष्क्रिय जल अवशोषण। तो ये अपना जल अवशोषण की क्रियाविधि का टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।